श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जुलाई महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, कैरियर, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप वृश्चिक राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ग्रहों के गोचर की स्थिति जान लेते हैं कि जुलाई के महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या रहेगी। तो सूर्य 16 जुलाई से कर्क राशि में रहेंगे, इससे पहले वो मिथुन राशि में रहेंगे और मंगल मेष राशि में पूरा महीना गोचर करेंगे और बुध का राशि परिवर्तन जुलाई के महीने में दो बार होगा। 2 जुलाई से वो मिथुन राशि में अपना प्रवेश करेंगे और 17 जुलाई से उनका गोचर कर्क राशि में होगा और शुक्र 13 जुलाई से मिथुन राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे। इससे पहले वो अपने गोचर को वृषभ राशि में रखेंगे और शनि का जो गोचर होगा वो 11 जुलाई तक कुंभ राशि में रहेगा और 12 जुलाई से उनका गोचर मकर राशि में हो जाएगा। राहु का गोचर जुलाई के पूरे महीने में मेष राशि में ही रहने वाला है और केतु का गोचर पूरे महीने जुलाई के तुला राशि में रहेगा और गुरु का गोचर मीन राशि में रहेगा और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम आपको देते रहेंगे। तो कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी जुलाई के महीने में। तो चलिए मित्रों, राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों के धन की बात करेंगे। धन की बात करें वृश्चिक राशि वालों के, तो धन भाव के स्वामी गुरु हैं और गुरु का गोचर पंचम भाव में है, यानी कि पूरे महीने जुलाई के महीने में गुरु का जो गोचर है वो मीन राशि में ही रहने वाला है। और आय भाव के स्वामी बुध हैं और बुध का जो है जुलाई के महीने में दो बार राशि परिवर्तन है। 2 जुलाई से वो मिथुन राशि में हैं, अपनी ही राशि में हैं लेकिन अष्टम भाव में हैं, और 17 जुलाई से वो कर्क राशि में हैं यानी भाग्य भाव में हैं। तो धन के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे क्योंकि धन भाव के स्वामी का गोचर अच्छा है, पंचम भाव में है और आय भाव पर दृष्टि है। तो नियमित स्रोतों से आपकी आय भी होती रहेगी और कोई पेमेंट वगैरह आपकी रुकी हुई थी तो अचानक कोई धन का लाभ भी आपको मिल सकता है 2 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में। और 17 जुलाई से भी अच्छा रहेगा क्योंकि 17 जुलाई को कर्क राशि में गोचर हो जाएगा जो कि आपका भाग्य भाव है, तो वहाँ पर आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो धन और आय के मामले में वृश्चिक राशि वालों को जुलाई के महीने में अच्छे परिणाम मिलेंगे। बस 2 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में आपको अचानक कोई लाभ मिल सकता है लेकिन अचानक कोई हानि भी हो सकती है। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी पूरा महीना आपको धन के मामले में और आय के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए आपके व्यापार और नौकरी की बात करें। तो व्यापार और नौकरी की अगर बात करें तो व्यापार के मामले में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और नौकरी में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनि देव का गोचर 11 जुलाई तक आपके चौथे भाव में रहेगा और चौथे भाव से दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। तो जो लोग नौकरी में हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हैं चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। उनके कार्य क्षेत्र में उनके सहयोगियों के साथ, उनके बॉस के साथ उनके संबंध अच्छे रहेंगे। बस आपको अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करनी है और ईमानदारी बनाए रखनी है। खासकर 11 जुलाई तक बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखकर चलना है और 12 जुलाई से शनिदेव का गोचर आपके तीसरे भाव में हो जाएगा, वहाँ भी पराक्रम बढ़ा रहेगा और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए वृश्चिक राशि वालों का जुलाई का महीना अच्छा जाने वाला है। और जो आपके दशम भाव के स्वामी सूर्य हैं, उनका गोचर 16 जुलाई से कर्क राशि में हो जाएगा और इससे पहले वो मिथुन राशि में रहेंगे। तो 16 जुलाई तक जब मिथुन राशि में रहेंगे वहाँ पर आपको व्यापार, कारोबार या नौकरी में अचानक कोई लाभ या हानि देखने को मिल सकता है। और 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए। चलिए आपके पारिवारिक जीवन की बात करते हैं।
तो पारिवारिक जीवन में आपके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दूसरे भाव के स्वामी गुरु का गोचर आपके पंचम भाव पर रहेगा और उनकी सप्तम दृष्टि आपके आय भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी और पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगी। पारिवारिक जीवन में आपके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बस माता से वाद विवाद से बचना है, इस बात का ध्यान रखना है। शनिदेव हालांकि चौथे भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव के स्वामी का गोचर चौथे भाव में है, तो आपको कोई न कोई पैतृक संपत्ति से लाभ देखने को मिल सकता है। अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति बेचने योग्य है या आपने उसका प्लान कर रखा है तो वो इस समय सेल हो सकती है और उसका लाभ मिल सकता है। अगर आपको कोई लाभ पैतृक संपत्ति से मिलने वाला है तो वो इस समय पर मिल सकता है। और माता से आप व्यर्थ के बाद विवाद से बचें, माता से लाभ आपको मिल सकता है इस समय पर। तो पारिवारिक जीवन कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों का जुलाई के महीने में अच्छा रहने वाला है। परिवार के सदस्यों के साथ आप थोड़ा सा माड़ी पर संयम रखकर चलें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए वैसे तो स्वास्थ्य में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, और मंगल का गोचर आपके मेष राशि यानी स्वराशि में ही रहेगा, छठे भाव में ही पूरे महीने रहेगा, तो स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या पहले से चल रही थी तो उसमें आपको आराम देखने को मिलेगी, और अगर कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या होती है तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव में पंचमेश का ही गोचर चल रहा है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और गुरु आपके पंचमेश हैं तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और जुलाई के महीने में जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा मेहनत के साथ तैयारी कर पाएंगे, और अगर वो कंपटीशन एग्जाम देने का उनको समय मिलता है जुलाई के महीने में तो वहाँ पर अगर उन्होंने अच्छे से मेहनत की है तो कामयाबी भी मिल सकती है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी का गोचर छठे भाव में पूरे महीने रहने वाला है। तो यहाँ पर शिक्षा के लिए हर तरफ से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और बात करते हैं आपके वैवाहिक संबंधों की, तो वैवाहिक संबंधों में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का गोचर 13 जुलाई से मिथुन राशि में हो जाएगा, इससे पहले वृषभ राशि में रहेंगे। तो 13 जुलाई तक वैवाहिक संबंधों में वृश्चिक राशि वालों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 13 जुलाई तक सप्तमेश का गोचर सप्तम भाव में ही रहेगा। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध होंगे और जीवन साथी के साथ आपका विश्वास बढ़ेगा और एक दूसरे के साथ आप समय भी बिताएंगे। कहीं घूमने फिरने का प्लान भी कर सकते हैं या फिर जा सकते हैं, वहाँ पर आपके संबंधों में और भी मधुरता देखने को मिलेगी। लेकिन 13 जुलाई से आपके सप्तम भाव के स्वामी का गोचर मिथुन राशि में हो जाएगा, जो कि आपका अष्टम भाव है, तो इस समय पर आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद से बचना है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है। अगर आपने ससुराल पक्ष के लोगों से कोई भी वाद विवाद किया तो आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद संभव है और बाकी परिणाम आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। बस 13 जुलाई से आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पंचम भाव के स्वामी पंचमेश वहाँ पर पूरे महीने गोचर में हैं, तो वहाँ आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि गुरु का गोचर वहाँ पर है तो अपने संबंधों में ईमानदारी, सच्चाई और वफादारी का परिचय दें। अगर आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ ईमानदारी नहीं निभाते हैं तो वहाँ पर आपको परिणाम बेहतर देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी प्रेम संबंध आपके इस महीने अच्छे रहने वाले हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें और सोमवार वाले दिन शिव भगवान को यानी कि शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अगर रोजाना कर सकें तो बहुत बेहतर, वरना सोमवार को अवश्य करें। और किसी किसी सोमवार को ही आप दूध भी अर्पित करें, शिवलिंग पर दूध भी चढ़ाएं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वृश्चिक राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।